हमारे वेदों में उपभोक्ता संरक्षण की एक व्यापक चर्चा है। अथर्ववेद में कहा गया है, इमा मात्रा मिमिम हे यथ परानमसाते, यानी वस्तुस्थिति और नापतोल में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना करें। ऋग्वेद के जमाने में कहा गया, हजारों वर्ष पूर्व लिखित ग्रंथों कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बाकायदा नियम समझाए गए हैं। गलत तरीके से ट्रेड करने वाले को किस तरह की सजा दी जाए उसे भी उस क्षेत्र समय वर्णित किया गया है। आप जानकर के हैरान होंगे कि लगभग 2500 साल पहले कौटिल्य के समय में बाकायदा शासन के लिए गाइडलाइंस परिभाषित की गई थी कि कैसे ट्रेड को रेगुलेट किया जाएगा और कैसे सरकार उपभोक्ता के हितों की रक्षा करेगी। कौटिल्य काल में शासन द्वारा जिस तरह की व्यवस्था थी, आज के हिसाब से अगर उन पदों को हम आज की टर्मिनोलॉजी में रखें तो उसका मतलब होता है डायरेक्टर ऑफ ट्रेड, सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, मैं समझता हूं कहा जा सकता है। हमारे यहां ग्राहक को भगवान माना जाता है। कई दुकानों में आपको लिखा मिल जाएगा, ग्राहक देवो भवः। चाहे कोई भी बिजनेस हो, उसका एकमात्र मकसद कंज्यूमर की संतुष्टि होना चाहिए। साथियों, भारत उन कुछ देशों में शामिल रहा है जिसने यूएन गाइडलाइंस एडॉप्ट होने के अगले ही साल यानी 1986 में अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया था। उपभोक्ता के हितों का ध्यान इस सरकार की प्राथमिकताओं में से एक प्रमुख अंग है। सरकार की यह प्राथमिकता न्यू इंडिया के संकल्प के साथ भी पूरी तरह जुड़ी हुई है। न्यू इंडिया जहां कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आगे बढ़कर बेस्ट कंज्यूमर प्रैक्टिसेस और कंज्यूमर प्रॉस्पेरिटी की भी बात को हम बल दे रहे हैं। साथियों, हम आज की देश की जरूरतों को, आज के व्यापारिक तौर तरीकों को अगर ध्यान में रखते हुए एक नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑलरेडी प्रोसेस में हम बना रहे हैं। नए कानून में कंज्यूमर एम्पावरमेंट पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कंज्यूमर की परेशानी कम समय में, कम खर्च में दूर हो, उसके लिए नियमों को और अधिक सरल किया जा रहा है। मिसलीडिंग विज्ञापनों पर और सख्ती का प्रावधान किया जा रहा है। तुरंत सुनवाई के लिए एग्जीक्यूटिव पावर्स के साथ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का भी गठन किया जाएगा।